वेलकम टू टाइम ऑफिस। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे टाइम ऑफिस के स्मार्ट फिंगरप्रिंट पैडलॉक के बारे में। इसमें हम बात करेंगे फिंगरप्रिंट एनरोल कैसे करना है, पैडलॉक को फैक्ट्री रिसेट कैसे करना है। फिंगर एनरोलमेंट करने के लिए सबसे पहले लॉक को अनलॉक कर लेना है। नया लॉक है तो वो डिफॉल्ट मोड में होगा, तो आप अपनी किसी भी फिंगर से इसको अनलॉक कर पाएंगे। अनलॉक करने के बाद फिंगर को सेंसर पे प्रेस करके रखना है जब तक ब्लू लाइट ऑन ना हो। ब्लू लाइट ऑन होते ही आपको अपनी फिंगर को सेंसर के ऊपर टैप करना है जब तक ग्रीन लाइट ऑन नहीं होती। ग्रीन लाइट ऑन होते ही आपको अपनी दूसरी फिंगर को सेंसर के ऊपर टैप करना है। सक्सेसफुल रजिस्ट्रेशन हो जाने के बाद लाइट इंडिकेशन ऑफ हो जाएगा। पहली बार जब फिंगर रजिस्टर करोगे तो आपको अपनी दो फिंगर रजिस्टर करनी रहेगी। वेरीफाई करने के लिए आपको अपने रजिस्टर फिंगर को सेंसर के ऊपर प्रेस करना है तो लॉक अनलॉक हो जाएगा। अनऑथराइज फिंगर रखने से ये लॉक अनलॉक नहीं होगा और रेड इंडिकेशन मिलेगा। आपको अगर और भी फिंगर ऐड करनी है तो सबसे पहले रजिस्टर फिंगर से लॉक को अनलॉक करना है। अनलॉक करने के बाद रजिस्टर फिंगर को सेंसर के ऊपर प्रेस करना है जब तक ब्लू लाइट ऑन ना हो। ब्लू लाइट ऑन होते ही आपको जो नई फिंगर ऐड करनी है उसको सेंसर के ऊपर टैप करना है जब तक कि ग्रीन लाइट ऑन ना हो। ग्रीन लाइट ऑन होते ही आपकी नई फिंगर जो है वो ऐड हो गई है। नेक्स्ट हम बात करेंगे लॉक को फैक्ट्री डिफॉल्ट कैसे करना है। सबसे पहले रजिस्टर फिंगर से लॉक को अनलॉक कर लेना है। अनलॉक होने के बाद रजिस्टर फिंगर को सेंसर के ऊपर प्रेस करके रखना है। सबसे पहले ब्लू लाइट ऑन होगी, उसके बाद जब रेड लाइट ऑन हो तब फिंगर को उठा के एक बार फिर से टैप करना है। टैप करते ही ग्रीन लाइट ऑन होगी, मतलब कि लॉक फैक्ट्री डिफॉल्ट हो चुका है। हम अगर इसके बैटरी के बारे में बात करें तो ये फुली चार्ज होने पे 9000 टाइम्स ऑपरेट हो सकता है, और अगर स्टैंड बाय टाइम की बात करें इसमें आपको 12 मंथ तक स्टैंड बाय टाइम मिलता है। इसके बैटरी डिस्चार्ज इंडिकेशंस की बात करें, जब आप रजिस्टर फिंगर को प्रेस करते हो लॉक अनलॉक हो जाने के बाद अगर रेड इंडिकेशन मिलता है तो इसका मतलब है बैटरी डिस्चार्ज होने वाली है, और अगर सेंसर पे रजिस्टर फिंगर प्रेस करते हो तो डायरेक्टली रेड इंडिकेशन होता है तो मतलब कि आपकी बैटरी डिस्चार्ज हो चुकी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं अनऑथराइज फिंगर प्रेस करने से कैसे इंडिकेशन मिलता है और बैटरी डिस्चार्ज होने पर कैसे इंडिकेशन मिलता है। तो जब आप अनऑथराइज फिंगर सेंसर के ऊपर प्रेस करोगे तो आपको एक बार रेड एलईडी इंडिकेशन मिलेगा, जबकि बैटरी डिस्चार्ज होने पर सेंसर पे जब आप फिंगर प्रेस करोगे कुछ सेकंड तक रेड एलईडी इंडिकेशन मिलता रहेगा। यहाँ पे आप देख सकते हो कि जब आप अपनी फिंगर सेंसर पे प्रेस करते हो तब कुछ भी इंडिकेशन नहीं मिल रहा है, मतलब कि पैडलॉक की बैटरी पूरी तरह से डिस्चार्ज हो चुकी है। तो अभी लॉक को चार्जिंग पे लगाना पड़ेगा।